सोने का कुछ ना कुछ पहना हुआ है। अच्छा। अखिलेश की सरकार में सबने कान में पहनने गले पहने सब छोड़ दिए थे, क्योंकि गले घर से आप बाहर निकलते थे आपकी चैन खींच ली जाती थी, आपके कान काट दिए जाते थे, आपके खाप काट दिए जाते थे, सोने के कंगन के लिए सोने की चीज के लिए इतनी गुंडागर्दी थी। आप सब आराम से बैठी पहन के यहाँ पे सबके कानों में सोने के कुंडल है। आपका नाम क्या होता है? जब राम जी आ गए राम और राघव एक ही तो है, जब राम आए तो राघव अपने आप ही आ गए। अच्छा और क्या बस। और इमरान मसूद कैसे नेता है? कैसे नेता है वो तो आपको बताइए। 2006 ही आ गए, झगड़े ही आ गए फिर। और इमरान क्या कहते हैं 2007 के चुनाव में? ऊपर काजी नीचे इमरान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ऐसे नेता को लाओगे या राघव को लाओगे? जो किचन किंग कही जाती है लेकिन आज यहाँ पर एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो महिला है उनसे बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है? क्या लग रहा है आपकी बात किचन किंग क्या कहते हैं यहाँ पर आ गए? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात 400 पार। अच्छा क्या महिलाएं वोट दे रही है आपकी बार बीजेपी को? पूरे खुल के आप देख ही रहे हो सबमें कितना जोश है। अच्छा कारण क्या है ऐसा? कारण भाई योगी जी का जलवा है। अच्छा कुछ काम हुआ है बेहतर? बहुत काम हुआ है, आप सहारनपुर में बहुत काम हुआ है। बताने टमाटर सब्जी प्याज इनकी बात कर ले तो महंगाई चरम पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सब चलता ही रहता है, वो तो पहले भी होता था। अच्छा लेकिन जो और काम हुआ है उनका बात ही अलग है। सुरक्षा कुछ मिल पाई? बहुत सुरक्षा है, जब आ जाओ आज हम बैठे हैं ना ये अच्छा हाँ जी। अखिलेश यादव कह रहे थे मेरी सरकार में ज्यादा सुरक्षा थी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा हाँ जी। तो योगी सरकार में सुरक्षा मिल गई? बिल्कुल 100% काम मोदी सरकार ने किया है। छोड़ दीजिए जो काम मोदी सरकार ने किया है उनका हम बखान नहीं कर सकते। हमारी महिलाओं की सुरक्षा है, साथ में घर दिए उन्होंने गरीब लोगों को, किसान लोगों को मुआवजा दिया और जितना भी हो सका गांव में। और आज हम देखते हैं जो भी विकास हुआ है वो मोदी सरकार की वजह से ही हुआ है। जितने भी रोड्स हैं, मेट्रो है, नए नए स्टेशन हैं। मायावती महिला थी वो कह रही थी ज्यादा सुरक्षा मेरी सरकार में रही। अखिलेश कहते हैं मेरी उसमें रही सरकार में। नहीं नहीं ये सब गलत है, पहले गुंडागर्दी बहुत थी, कोई भी लेडीज अकेले जाते हुए कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज हम अपने सहारनपुर में ही देखते हैं रात के 12 बजे भी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है, हर कहीं भी जा सकती है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। अच्छा कोई डर नहीं? क्या मैडम लगता है अब भी डर लगता है बाहर निकलते हुए? नहीं लगता। अभी आप यहाँ सारी लेडीजों को देख सकते हैं, इन्होंने सोने का कुछ ना कुछ पहना हुआ है। अच्छा। अखिलेश की सरकार में सबने कान में पहनने गले पहनने सब छोड़ दिए थे, क्योंकि गले घर से आप बाहर निकलते थे आपकी चैन खींच ली जाती थी, आपके कान काट दिए जाते थे, आपके खाप काट दिए जाते थे, सोने के कंगन के लिए सोने की चीज के लिए इतनी गुंडागर्दी थी। आप सब आराम से बैठी पहन के यहाँ पे सबके कानों में सोने के कुंडल है। अच्छा हाँ मतलब अमीर हो गए सब? अमीर हो गए सब, सबने नौकर में छुपा रखे तो निकाले हैं। दादी क्या नाम है आपका? अच्छा क्या उम्र है? मोदी को जानते हो? अच्छा वोट दोगे? हाँ किसको? मोदी जी को। और राहुल गांधी? जीताने दो। और राहुल गांधी को जानते हो? सब बढ़िया चल रहा है जी। क्या नाम है? मेरा नाम कांता। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की सरकार आ रही है? नहीं राहुल गांधी की मोदी सरकार। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। क्या नाम है? ममता सिंगल। ममता जी ये अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार तो अखिलेश यादव आ रहे हैं। वो तो हारेगा ही, अखिलेश यादव नहीं आ सकता, मोदी ही आएंगे। मोदी ने काम इतना अच्छा करा है सब मोदी भागते। अच्छा राघव लखनपाल कैसे नेता है? बहुत बढ़िया नेता है, वो हर बार जाके सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे उन्होंने उनकी प्रॉब्लम पूछी सब पूछा, बहुत अच्छे नेता, वही जीतेंगे, इतना 400 पार होगा। और अखिलेश जी को आप अपने घर बुला लेना, वो वोट से तो आएंगे नहीं। अच्छा हाँ मैडम क्या नाम है? मोनिका। मोनिका जी कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि अब की बार तो जो गठबंधन है वो जीत रहा है। कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा मोदी और हमारे राघव जी। राघव जी बिल्कुल राघव जी कह रहे हैं कि राघव जी की छवि अच्छी नहीं है, वो लोगों के बीच में जाते हैं। राघव का नाम क्या होता है? जब राम जी आ गए राम और राघव एक ही तो है, जब राम आए तो राघव अपने आप ही आ गए। अच्छा और क्या बस। और इमरान मसूद
नेता है। कैसे नेता है वो तो आपको बताइए। इमरान मसूद का एक बयान था कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए वरना जो योगी जी हमें जेल में डाल देंगे। उनके अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाई जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है वरना तो हम जेल में ही जाएंगे। उन्होंने बोला था कि मुझे क्या बना दिया गया है, ना मैं इधर का रहा ना उधर का, बस ईस्ट एंड वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट और उत्तराखंड से आए योगी बुलडोजर बाबा कहलाए। अच्छा, अपने शौर्य के बल से जमीन ठिकाने लगा है। और पहली सरकारों में तो फौजी भी सेफ नहीं थी, उनके सर काट के ले जाते थे, सर भी नहीं मिलता था। उनकी माँ फौजी की माँ कहती थी जब आप एडमिट करते हो तो एक दिन जनाब के ले तो, और अब हमें पूरी के टाइम में पूरी बॉडी नहीं दे रहे। तो आपने देखा ये महिला सुरक्षा थी। मैडम आगे आ जाइए, थोड़ा सा डर है क्या अभी भी, आगे आइए फिर।